मेहमान मास्क भी नहीं किया था कि तुम मेरा घर प्रवेश करोगे। काफी टाइम घर से बाहर था, मुझे बहुत काम पेंडिंग है, रिकॉर्डिंग करनी है, स्टूडियो जाना है मुझे। तू आ रहा है या नहीं, चलना। मां मेरा वेट मत करना, मैं लेट आऊंगा। माँ क्या हुआ, सब ठीक है ना? और सुबह क्या हुआ था, आप कहाँ चले गए थे? मैंने कितना ढूंढा आपको, लेकिन जब रुद्र को पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें पता है आप कहाँ गई है और वो ढूंढ लेंगे आपको। कहाँ गई थी आप? मैं मंदिर गई थी। क्यों झूठ बोल रही हैं आप? प्रीशा से मिलने गई थी ना? सही कह रही हूँ ना मैं? मैं जानती हूँ कि आपका और प्रीशा का रिश्ता कैसा है। आपने भी रुद्र की तरह मुझे अपनी जिंदगी में प्रीशा की जगह नहीं दी ना कभी। क्यों माँ? माँ आप बताइए ना, क्यों गई थी आप प्रीशा से मिलने? मैं तुम्हें एक ही बात बोलूंगी, वो भी इसलिए क्योंकि ये बात सुनकर शायद तुम्हें खुशी मिले। हाँ ये सच है कि प्रीशा जिंदा है, लेकिन रुद्र और प्रीशा कभी एक नहीं होंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि इससे ज्यादा तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं। 5 साल पहले प्रीशा हमारे लिए मर चुकी है और आज भी हमारे लिए वो जिंदा नहीं है। बड़ी गलती हो गई मुझसे कि 5 साल तक तुमसे प्यार करता रहा, लेकिन अब ये गलती दोबारा नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारा असली चेहरा आ गया मेरे सामने और अब ये चेहरा मैं कभी नहीं देखूंगा। दुनिया के लिए 5 साल पहले मर चुकी थी ना तुम, तो अब मैं भी मान लूंगा कि मेरी प्रीशा 5 साल पहले मर चुकी। और अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो, हम सबसे दूर रहो तुम। क्या करूं रुद्र, बस यही याद है ये बच्ची है, कुछ अच्छी और कुछ तोड़ने वाली कोई बात नहीं, इन यादों के सहारे पूरी जिंदगी गुजार दोगे तुमने, कम से कम तुम्हारी यादें जिंदा तो रखेगी मुझे। क्लिनिक के लिए लेट हो रहा है, खाना भी बना रहा है, रूही को भूख लग रही होगी, लेकिन रूही है का? अभी तक तो उसे स्कूल से आ जाना चाहिए था। मैं देखती हूँ। रूही, रूही, रूही तो यहाँ भी नहीं है, कहाँ गई? रूम में देखती हूँ। रूही, रूही, रूही तो यहाँ भी नहीं है, ऐसे कहाँ चली गई बिना बताए? रुद्र मैं जानता हूँ पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हुआ है तेरे साथ, लेकिन प्लीज यार अपने आप को संभाल, थोड़ा सा टाइम दे, जस्ट रिलैक्स। ओके एक ड्रिंक चाहिए मुझे। व्हाट, तूने सुना नहीं, ड्रिंक चाहिए मुझे। नो वे रुद्र, तू पीना छोड़ चुका है ना, दोबारा से ड्रिंक क्यों चाहिए तुझे? हाँ छोड़ चुका था क्योंकि एक उम्मीद थी मेरे पास कि मेरा प्यार, मेरी प्रीशा मुझे वापस मिल जाएगी, और उससे भी ज्यादा वो रूही, उसका प्यार मुझे मिल जाएगा। लेकिन अब तो ना रूही है और ना प्रीशा, अब फिर से अकेला हो गया मैं, इसलिए सब बुलाने के लिए मुझे उसका सहारा चाहिए। तो प्लीज जाके एक बॉटल लेके आ मेरे लिए, प्लीज। प्लीज
प्लीज। एक तू मुझे मना नहीं करेगा, जा। तो मेरे भाई मेरी बात सुन। जा लेके आ बंटी, जा। नीचे गई है आपके पास सरप्राइज। नहीं प्रिया, रूही तो यहाँ नहीं आई और साची भी स्कूल गई हुई है। पर तुम परेशान क्यों हो, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो रूही घर पे नहीं थी तो मुझे लगा यहाँ होगी। कोई बात नहीं, कहीं और होगी। मीना मासी के घर होगी, मैं जाकर देखती हूँ। थैंक यू मासी। रूही पता नहीं कहाँ चली गई है, कहीं पे भी नहीं मिल रही। अरे ऐसे कहाँ जाएगी वो, तू चिंता मत कर, यही आस पास ही होगी। मासी एक्चुअली मैंने उसे कल बहुत डांट दिया था। वो बार बार रुद्र के बारे में सवाल कर रही थी, मुझे समझ नहीं आया, मैंने उसे डांट दिया कि वो मुझसे गुस्सा हो गई। और पर सच क्या है प्रिया, यही तो बताना। ज्यादा नहीं पर इतना तो बता दे, क्या तेरा और रुद्र का रिश्ता था पहले? क्योंकि जैसे वो पागलों की तरह तुझे ढूंढता हुआ यहाँ आया था, वो बहुत उतावला था तुझसे मिलने के लिए। प्लीज इस बारे में बाद में बात करते हैं, पहले रूही को ढूंढ ले, पता नहीं वो कहाँ है। ये कौन सा नया ड्रामा यार, छोटी छुपकली गायब हो गई। चलो मुझे लगा था रुद्राक्ष ये गांव छोड़ के जाएगा तो मुझे मौका मिलेगा ना उस बच्ची और उस बच्ची की माँ को पटाने के लिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपने कहा था ना मुझे जब आपसे मिलना मैं आपको बुला लूं। हाँ तो आपको मैंने कार में देखा तो मैं आ गई। लेकिन तुम ऐसे, मुझे आपसे कुछ पूछना है और इसका जवाब आप ही दे सकते हो इसलिए। और ये लाल टमा तो जा रहे हैं, फिर मैं कैसे पता करूंगी, क्या करूं सोचती हूँ। आइडिया, मैं जाती हूँ लाल टमाटर के कार में बैठ जाती हूँ। अब तो लाल टमाटर को सब बताना ही पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी मम्मा को पता है कि तुम यहाँ हो? क्या हुआ? दर्द हो रहा है पेट में बहुत जोर से। ऐसा अचानक से? आपको बता रहा हूँ, जब मुझे भूख लगती है तो मेरे पेट में दर्द होता है आपके जैसा। ओए नौटंकी, क्या कहती थी मैं बुरा एक्टर हूँ, तुम तो मुझसे भी बुरी एक्टिंग करती हो। आप पे गई हूँ ना बुद्धू। पर भूख तो सच्ची में लगी है लाल टमाटर, कुछ खिलाओ ना जल्दी। जब आप मेरे यहाँ आते तो मैंने आपको कितना ख्याल रखा, खाना कपड़े सब दिया। मैं आपके यहाँ हूँ आपकी मेहमान, अब आप दो नहीं तो रूही को गुस्सा आएगा और आपकी चटनी बन जाएगी। पता है ना जब रूही को गुस्सा आता है तब रूही क्या बन जाती है? चटनी। ओके नानी माँ, मेरी शेरनी, आप मेरी मेहमान हो, आपकी खातिरदारी करते हैं। बंटी सब कुछ लेके आ, सब जो भी बच्चे खाते हैं, पिज्जा बर्गर चॉकलेट आइसक्रीम जो भी है सब। इस नानी माँ के लिए सब कुछ लेकर आता हूँ। और आप चलो मेरे साथ। कहाँ? मेरे स्टूडियो में।